मेरी जिंदगी में सबसे भावुक पलों में से कुछ पल वो थे जब मेरे पास एक व्यक्ति आया, आकर मुझे मिला और बहुत रोया। मैंने उसे गले लगाया, फिर पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं बिना किसी दोष के बहुत साल तक जेल में सज़ा काट करके आया हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। मुझे बहुत मन था, मैं आपका वीडियो देख रहा था कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, तो मेरा मन किया मैं आपसे मिलूं आकर के। उसने अपना दर्द बयां किया और मेरे पास बैठा रहा। फिर मैंने उसे पूछा कि अब तुम क्या करते हो, बोला अब मैं जो अन्याय मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो, ऐसी कोशिश करता हूँ, ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा लगा सुन करके कि चलो इतनी नेगेटिव चीज़ में से भी उसने पॉजिटिव खोज करके अपने जीवन को पूरी तरह से एक अच्छे कार्य में लगा दिया है। खैर, ऐसे कई लोगों के अनुभव होंगे। अब जो न्याय व्यवस्थाएं काम करती हैं वो एक सिस्टम के तहत काम करती हैं, एक विधान, एक एल्गोरिदम। जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसमें जो एल्गोरिदम डाला जाएगा वो उसी तरह से बिहेव करेगा। इसी तरह हमारा जो एक न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा है अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लूप होल तो है। और मैं समझता हूँ उसी का शिकार बहुत से लोग हो जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, फिर भी उनको इस तरह से तोला जाता है कि ये इसके लिए ये जो सबूत है, ये चीज़ है, फलाना है, उसके आधार पे उसको सज़ा सुना दी जाती है। आप खोजेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इसका शिकार हुए हैं। हालांकि न्याय व्यवस्था ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लोगों को न्याय भी मिल रहा है, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर किसी ऐसे न्यायाधीश या किसी सिस्टम पे भी उंगली नहीं उठा रहा। आखिर तो पूरी दुनिया, ये सारे जो ये कानून वगैरह सब इंसान ही चला रहा है ना, भगवान तो नहीं चला रहा। चूक कहीं किसी से भी हो सकती, और आपसी रंजश पाल लेते हैं लोग, फिर एक दूसरे को फंसाते हैं ऐसी चीज़ों में, उल्टे पुल्टे कामों में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे संत की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जवानी में, जब लोग काम वासना के नशे में मस्त होते हैं, जब चांसेस होते हैं कि हाँ इस उम्र में कोई गलत कार्य करेगा, उस उम्र में उस संत ने, उस व्यक्ति ने, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, हर किसी के लिए वो संत नहीं होंगे, वो मानेगा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने उस उम्र में ऐसे ऐसे काम किए पूरी दुनिया के लिए कि सनातन संस्कृति को कहाँ से कहाँ उठा करके वो लेकर गया। उसने करोड़ों अनुयायियों को जीवन जीना कैसे है, करोड़ों लोगों को ये सिखाया। और मैं भी अपने बचपन में उनकी कई बातों से प्रभावित हुआ, सुना, सीखा, समझा, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से लोगों की सेवा में कार्य कर रहे हैं। और उस उम्र में जब भटकने की उम्र होती है, उसमें उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना और एक ऐसी ढलान पर आते आते, उम्र की ऐसे पड़ाव पर आकर के कुछ इल्ज़ाम लगे, कुछ बातें निकल करके आई, कुछ चीज़ें हुई, बहुत लोगों को उनसे प्रेम है, बहुत लोगों को उनसे प्रेम नहीं भी है, बहुत लोगों को उनसे ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। और जितनी ऊंचाई पे आदमी जाता चला जाता है, चला जाता है उतने ही उसके अगेंस्ट भी लोग होते हैं। पता नहीं अब क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आज वो सराखों के पीछे, कई साल से लोगों ने एजिटेशन किया, लोगों ने धरना दिया, लोगों ने प्रार्थनाएं की, निवेदन किया, लेकिन अभी भी कोरोना काल में कई लोग इस दुनिया से रवाना हो गए, कई चीज़ें हो गई, और उस समय से लेके अब तक वो एक बार भी उन्होंने उफ नहीं करी कि हाँ भाई
मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में उस व्यक्ति से, उस संत से, उनके मुंह से हमेशा यही सुना, जब भी नज़र पड़ी, जब भी सौभाग्य मिला, सबका भला सबका मंगल। वो इंसान, उसको पूछ कर देख लीजिए एक बार, वो नहीं कहेगा कि जिसने मुझे फंसाया है उसका भी बुरा हो जाए। शायद उनके अनुयायी दुखी होंगे, वो कईयों के मुख से बद्दुआ निकल रही होगी, कई कुछ कह रहे होंगे। उस व्यक्ति को जाके पूछिए, वो कहेगा नहीं, सब खुश रहो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ऐसी ऐसे कार्य उनके द्वारा जिंदगी में हुए हैं, धर्मांतरण को रोकना, लोगों को भंडारा लगा के जहाँ गरीब आदिवासी लोगों को अनाज बांटना, पढ़ाना लिखाना बच्चों को फ्री में, और दवाई दारू जितना कोई कर सकता है। देखो, पूरी दुनिया एक इंसान नहीं चला सकता, लेकिन अपनी हिम्मत उन्होंने पूरी दिखाई। और जहाँ आज पद्मश्री मिल रहा है, जहाँ आज अच्छे कार्य करने वालों को सराहा जा रहा है, वहाँ एक रंजिश। अब बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं न्याय व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर मुझे कोई व्यक्ति सही लगता है, मैं पुकार करूँ, मैं उनके अनुयायियों से प्रार्थना करूँ। पहले आपका अपने घर वापस बैठ जाना नहीं बनता। आपको किसने कहा कि आप अपने घर बैठ जाएं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों पे आकर बैठ जाएं। बात रखने के कई ढंग होते, एक तो है धरना, प्रदर्शन, आप उन सब से हटकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके बापू ने जो कार्य किए, आप उन्हें आगे बढ़ाइए। आप सरकार का हाथ बटाइए, जहां जो सरकार, जहां जिस स्कूल को नहीं चला पा रही, आप वहां खड़े होकर उनकी मदद करके उस स्कूल को बेहतर बनाइए, वहां शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाइए, उसकी टूटी इमारत का थोड़ा निर्माण कराइए, वहां जहां कोई विद्या नहीं पहुंच रही, कोई पानी नहीं पहुंच रहा, कोई चिकित्सा नहीं पहुंच रही, आप वहां पे अपनी सेवाएं पहुंचाइए। और अगर कोई पूछे कि ये सेवाएं किसकी तरफ से हैं, तो आप बता दीजिए कि हमारे निर्दोष बापू की तरफ से हैं। हर घर में, हर गली में जहां आपकी सेवा पहुंच सकती है, उस सेवा के जरिए अपना प्रदर्शन करिए। आपके आप गुरु ने आपको इतना प्यार दिया है, आप उसकी कीमत अगर चुकाना भी चाहें तो नहीं चुका सकते, ये गुरु का स्वभाव होता है। और मैं देख रहा हूँ उनका जोश ठंडा पड़ रहा है, साधकों का, उनके, ये सही बात नहीं है। आपको पुनः अपने अंदर प्राण, वो प्रेम से ही फूके जा सकते हैं प्राण दोबारा से आपके वो मिशन में। वो आप प्रेम, उस प्रेम को भुलाइए नहीं, उसको धीमा ना पड़ने दें, उस आँच को। आप अपनी कोशिश जारी रखें। मैं सरकारों से भी प्रार्थना करूं, मैं न्यायपालिका से, जो इस वीडियो को सुन रहा है, मेरी मंशा बड़ी नेक है, पुनर्विचार किया जा सकता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम हर हमेशा हर इंसान सच्चा ही है, और ये भी नहीं कह सकते कि हर कोई झूठा ही है। गलती चूक किसी से भी हो सकती है। और मैं एक और निवेदन करना चाहूँ कि हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, ये करेक्टरलेस था, ये फलाना था, उसने ये कार्य किए थे, बहुत समय से वो जेल में है। अब कम से कम आपको ये शब्द किसी को भी उनके लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए। और अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार अपने आप से पूछिए, पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अपनी छाती पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, क्या आपके अंदर किसी समय, जीवन के किसी काल में, क्या काम वासना नहीं उठी? क्या आपके द्वारा, मैं सबको कह रहा हूं, आपके द्वारा किसी पर नजर पड़ने पर आपके अंदर कोई ऐसे विचार नहीं आए? हम मन से कितने पापी हैं, कितने गंदे हैं, और हम दूसरों पे उंगली उठाएं तब, यदि हम स्वच्छ हैं। मेरा मकसद आप
कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद यही कहना था कि हम दूसरे को बार बार तिरस्कार करना और ये सब करना, उससे हट करके हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पे ध्यान दें। और अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठा करके किसी के लिए कुछ मदद के लिए आगे आ रहा है, उसे सही ढंग से हम न्यायपालिका या इन व्यवस्थाओं से ही तो मांग कर रहे हैं ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये कर दो वो कर दो, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, मैं सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं उन सब के उनके शिष्य जो हैं संत श्री आसाराम जी बापू के, उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको जब लगे मुझे आप बुला सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, जो मेरे से बन पाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं अपना छोटा सा योगदान जो एक गिलहरी ने दिया था राम के सेतु को बनाने में, उतना तो ज़रूर दे सकता हूँ। इतना स्वाभिमान, इतना मेरे भीतर संकल्प हो, इतना प्रेम मैं रखता हूँ, और आप सबके लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है। आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाइए, अच्छाई से लोगों को बताइए कि वो कौन है, अपने जीवन की रोशनी से बताइए कि वो कौन है, उन्होंने दूसरों के लिए क्या किया, कौन सही है कौन गलत है, इसका न्याय ईश्वर अपने आप करेगा बहुत जल्द। ऐसी मैं प्रार्थना करूं भगवान से भी, और जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके दिलों तक मेरी बात पहुंचे, ऐसी कामना। नमस्कारम।